हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके कॉजेज़ हमने पढ़े, जिसमें इमीडिएट कॉजेज़ में हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्रिटिश कंपनी रूल हैं, उन्होंने सी पॉइज़ के लिए एक न्यू राइफ़ल इंट्रोड्यूस की। जो न्यू राइफ़ल उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, उसमें जो कार्ट्रिज यूज़ होता था वो ग्रीज्ड किससे होते थे? काउ एंड पिग फेड से, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपोज किया करते थे। और जब उन्हें पता चला कि ये जो राइफ़ल्स हैं, इनके कार्ट्रिज ग्रीज की जाती हैं काउ और पिग फेड से, तो उन्होंने इसके लिए मना करना शुरू कर दिया। अब आपको ये कॉजेज में अच्छे से पता चला था कि अगर कोई सीपॉय, यानी सिपाही जिसको बोलते हैं सोल्जर्स, अगर वो ओवरसीज जाने से मना करता था तो भी उनके लिए पनिशमेंट था, और अगर वो किसी भी तरह के ब्रिटिश वर्क को अगर करने से मना करते थे तो भी उनके लिए पनिशमेंट डिसाइडेड थे। तो अब उनको परेड ग्राउंड में, अब हम सीक्वेंस देखेंगे कि रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1857 का जो रिवोल्ट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने के लिए सीपॉइज ने एकदम मना कर दिया, और वो सीक्वेंस कहाँ का था? मेरठ का था। मेरठ में एक यंग बॉय, यानी कि एक मंगल पांडे नाम का एक सिपाही, जो कि ब्राह्मण सिपाही था, उसने इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से साफ इनकार कर दिया। यानी जब परेड ग्राउंड में रेजिमेंट जाती है ना, तो वहाँ पे सब इकट्ठे हुए थे परेड के लिए और उनको यूज़ करने के लिए, फायरिंग के लिए। तो मंगल पांडे ने उनको साफ, यानी कि ओपनली उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि मैं इनको काम में नहीं लूँगा, जबकि उसको पता था कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो डेट क्या थी? ऑन 29 मार्च 1857, यानी 29 मार्च का वो दिन था 1857 में। उस दिन उन्होंने क्या किया था? साफ ही उस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया। जैसे ही मंगल पांडे ने मना किया, जो अदर सीपॉयज थे उन्होंने भी उसके साथ में अपनी आवाज़ को उठाना शुरू कर दिया, और गुस्से में उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने, उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। बस यहीं से रिवोल्ट ब्रोक आउट हुआ, शुरुआत हो गई। जो अदर सीपॉयज थे उन्होंने भी ओपनली रिवोल्ट कर दिया। बहुत ज़बरदस्त एक्शन उन्होंने लिए। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके बैरक जला दिए, उनके जो आसपास घर थे, उनके टेंट थे, वो सब जला दिए, और लगभग माना जाता है कि 11 जो वहाँ पे थे ना ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, आर्मी ऑफिसर्स, 11 लोगों को उन्होंने वहीं पर ख़त्म कर दिया। अब ये क्या, ये रीज़न को देखते हुए उन्होंने क्या किया, ही वॉज एग्जीक्यूटेड, मंगल पांडे को तो फांसी की सज़ा दे दी गई, एंड रेजिमेंट्स ऑफ बैरकपुर एंड ब्रह्मपुर, यानी कि दो रेजिमेंट वहाँ पे थी, रिक्रूट थी, उन दोनों रेजिमेंट को क्या कर दिया गया, डिसबैंडेड कर दिया गया। डिसबैंडेड का मतलब क्या होता है? भंग करना, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो वो सीपॉयज थे, वो सोल्जर्स थे, वो कहाँ पे चले गए? क्योंकि वो सीपॉयज अवध के थे। आपको मैंने पहले वाले टॉपिक में बताया था कि बहुत ज़्यादा सैनिक कहाँ के थे? अवध के थे। तो वो अवध के सैनिक जब वापस अपने गांव को लौटे, यानी अवध आए, तो उन्होंने ये वाली सारी बात कहाँ बताई? अपने गांव में तेज़ी से फैलाना शुरू कर दिया कि ब्रिटिशर्स ने एक न्यू पॉलिसी अडॉप्ट किया है, जिसमें से ग्रीज्ड कार्ट्रिज यूज़ करवाए जा रहे हैं। और जब ये खबर तेज़ी से फैलना शुरू हुई, तो मुश्किल से महीने और दो महीने के अंदर पूरे भारत में आगे से आगे फैलने लगी, यानी लोगों में विरोध शुरू हो गया। लोगों में क्या हुआ? विरोध होना शुरू हो गया। वो पहले ही ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो हमेशा उनको नीचा दिखाते थे, और अब हर तरह से मतलब किंग, कॉमन पर्सन्स, मिलिट्री मैन, हर एक लोग उनसे, आदिवासी सभी लोग उनसे परेशान होने लगे थे। हर व्यक्ति चाहता था कि ब्रिटिशर्स अब यहाँ से चले जाने चाहिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा
हर्ष थी। डेवलपमेंट के साथ साथ वो लोगों को नीचा भी दिखाया करते थे और धीरे 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 वो हर चीज़ को अपने अधीन कर रहे थे। तो ये जो न्यूज़ थी ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की, वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई या फैलने लगी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन एन ओपन रिवोल्ट एट मेरठ। मेरठ में तो उन्होंने फैला ही दिया था, तो वहाँ पे तो ओपन रिवोल्ट स्टार्ट हो ही गया। साथ ही साथ जैसे जैसे जो मेरठ से बैरकपुर के जो सीपॉयज थे, जब वो वापस लौटे तो वो दिल्ली आए, तो दिल्ली में भी उन्होंने ज़बरदस्ती लाल किले पे चढ़ के और क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर अनाउंस कर दिया, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका लीडर उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया। और इसी तरह से ये खबर महाराष्ट्र के कानपुर में भी फैली। नाना साहब कहाँ के थे? जो बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, वो उस टाइम पे कानपुर के थे। तो कानपुर में भी जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने भी रिवोल्ट को शुरू कर दिया, यानी कि वहाँ के लोगों को इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी कैसे हुआ? मेरठ से जब ये शुरू हुआ, वहाँ से शुरू होने के बाद ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। अब हम देखते हैं कि इसका जो सीक्वेंस था वो कैसे था। ऑन 6 May 1857 85 सीपॉयज, कितने सीपॉयज थे? 85 सीपॉयज रिफ्यूज टू टच द कार्ट्रिज। उन्होंने मना कर दिया कि हम इस कार्ट्रिज के हाथ भी नहीं लगाएंगे। दे वर सेंटेंस टू 10। अब जब उन्होंने मना कर दिया कि हम इनको टच नहीं करेंगे और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, रिबेल करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ? मंगल पांडे को तो फांसी दे दी गई और उन्हें 10 साल के कठोर रेग्रियस, यानी क्या होता है, कठोर कारावास की सज़ा दी गई। उसमें उनके साथ बहुत बुरी यातनाएं उनको दी जाती थी और बहुत उन्हें परेशान किया जाता था। ऑल द सीपॉयज एट मेरठ ब्रोक इनटू ओपन रिवोल्ट। दे रश्ड टू जेल एंड रिलीज्ड ऑल द प्रिजनर्स। वो कहाँ गए? जब उन्होंने ओपन रिवोल्ट का मतलब है कि ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनके सामने ही विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने इकट्ठे होके जेल में गए और वहाँ जो प्रिजनर्स थे यानी इंडियंस जो थे उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया, छुड़वा दिया। कितने ही अनगिनत लोगों को उन्होंने मार दिया। दे किल द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड बर्न देयर हाउसेज। दे कैप्चर गन्स एंड एम्यूनेशंस। एम्यूनेशन यानी क्या होता है? बारूद। एंड डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगियंस। अंग्रेज जो होते थे ना ब्रिटिशर्स, उनको इंडियंस क्या बोलते थे? फिरंगी बोलते थे। और उन्होंने फिरंगीज के अगेंस्ट यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ओपन रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। अगर आप समझते हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो उन्होंने उनसे वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि ब्रिटिशर्स भी उनके साथ सेम कंडीशन में ही काम कर रहे थे। अगर वो नहीं मानते थे तो उन्हें भी मार दिया जाता था, ओपन फायर किया जाता था, हाथों हाथ ही गोली मार दी जाती थी। तो इसी से वो गुस्साए हुए थे और धीरे धीरे वो उनकी इकोनॉमी को भी कैप्चर कर रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने बिल्कुल उनके साथ उनका साथ देने से मना कर दिया और उन्होंने रिवोल्ट की शुरुआत की। इवेंट्स एट दिल्ली। द मेरठ सीपॉयज जब दिल्ली पहुंचे 11 मई को, ये इवेंट मेरठ का इवेंट कब का था? 6 मार्च का। मेरठ का इवेंट कब का था? 6 मार्च का था। और दिल्ली वो कब पहुंचे? जब वो वहाँ से अवध जा रहे थे तो रास्ते में वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में वो 11 मार्च को आए, 11 मई को, सॉरी। दे प्रोसीडेड टू द कंटेनमेंट वेयर द लोकल ट्रुप्स जॉइन देम। वहाँ पे उन्होंने उनको यानी वहाँ के जो लोकल ट्रुप्स थे यानी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, वहाँ के जो सैनिक थे, उन सबको ये वाली बात बताई और उन्हें हमारा अपना साथ देने के लिए आग्रह किया। और सभी रेडी थे यानी कि हर एक व्यक्ति तैयार था ब्रिटिशर्स को अपना भारत छोड़ने के लिए। जो गांधी जी ने नारा दिया था ना, करो और मरो, वो तो बहुत बात का था।
वो तो 19th और 20th सेंचुरी का था, लेकिन ये हम कब पढ़ रहे हैं, 19 सेंचुरी का पढ़ रहे हैं, यानी कि 1857 का, जबकि शुरुआत उन्होंने कर दी थी। द सोल्जर्स फोर्स देयर वे इन टू द प्लेस ऑफ बहादुर शाह एंड प्रोक्लेम्ड हिम देयर लीडर। उन्होंने बहादुर शाह को अपना लीडर घोषित कर दिया। प्रोक्लेम्ड करना यानी क्या होता है, घोषणा करना। बहादुर शाह जफर के नाम की घोषणा कर दी, क्योंकि बहादुर शाह जफर को पहले ही ब्रिटिशर्स ने उनकी जो रैंकिंग थी, यानी पहले वो क्या थे, लास्ट मुगल एम्परर, जो पोजीशन थी उनकी मुगल एम्परर की, वहाँ पे उन्होंने उनको लास्ट मुगल एम्परर करके आगे की जो भी पोजीशन थी, रैंक थी, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया था और उन्हें लाल किले से बेदखल कर दिया था। तो उन्होंने उन्हें अपना लीडर बनाया। फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज कॉन्फिडेंसी, अपना एक नया संघ बनाया इंडियन स्टेट का, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सम रूलर्स फेल्ट दैट दे वुड बी एबल टू रीगेन देयर टेरिटरीज, और इसमें उन रूलर्स ने भी हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, जिनको अभी तक भी ये आशा थी कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाने के बाद अपनी खोई हुई ज़मीनें, अपने खोई हुई जो उनकी स्टेट्स थी ना, जो ब्रिटिशर्स ने ले ली थी, वो स्टेट्स हम आसानी से वापस ले सकेंगे। इस वजह से जो बड़े रूलर्स थे उन्होंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। अब हम पढ़ेंगे इवेंट्स एट कानपुर। नाना साहेब एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव वाज डायरेक्टिंग ऑल द ऑपरेशंस। वो वहाँ पे कानपुर में उनके हेड थे। जनरल ह्यूज व्हीलर हरिडली कंस्ट्रक्टेड ए प्लेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश। अब जो वहाँ के थे ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिलीज को, यानी जितने भी ब्रिटिशर्स थे ना, उनको सेव करने के लिए उन्होंने एक जगह जल्दी जल्दी एक प्लेस का कंस्ट्रक्शन करवाया। उन्होंने करवा तो लिया, और इसका एक अगर आपने इंसिडेंस सुना होगा तो नाना साहब ने बोला कि मैं आपको रिवर क्रॉस करके बड़ी जो येस्ट है, जो बड़ी जो बोट्स हैं वो अवेलेबल करवाऊंगा और आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा। और उन्होंने सारे ब्रिटिशर्स को उन पे बैठा लिया और उनको बीच रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। इसी तरह से जो उन्होंने प्लेस कंस्ट्रक्ट करवाया था ब्रिटिश प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने क्या किया, जो इंडियन सीपॉयज थे उन्होंने उस पर अटैक किया और उसको तोड़ दिया। यानी कि उसको भी उन्होंने नहीं रहने दिया, उधर नाना साहब ने भी उनको नाव में, जिसको कहते हैं ना, सवार करके और बीच नदी में उनको डुबो दिया, यानी कि उनको खोला ही नहीं। तो इस तरह से ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो यातनाएं उन्होंने इंडियंस को, हिंदुस्तानियों को दी थी, वही यातनाएं अब वो उन्हें दे रहे थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उनके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे या विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया था। द जनरल व्हीलर वॉज कंपेयर्ड टू सरेंडर। अब उन्हें बाध्य होना पड़ा अपना अपने आप को उनके सामने झुकने के लिए। सर कॉलिन कैम्बेल केम टू रेस्क्यू ऑफ हैवलॉक। ही इन्फ्लिक्ट अ क्रशिंग डिफीट ऑन नाना साहेब्स ट्रूप ऑन 6 दिसंबर 1857। उन्होंने ये निश्चित कर लिया, उन्होंने, हालांकि उनके सामने झुकने का, क्योंकि चारों तरफ जब बगावत शुरू हो गई थी, रिबेल स्टार्ट हो चुका था, ओपन रिबेल उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो फाइनली ब्रिटिशर्स को उसके लिए सोचना पड़ा कि अब हमें कुछ ना कुछ इनके लिए करना ही पड़ेगा। इवेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया। रिबेल ऑफ सेंट्रल इंडिया फाउंड वेरी एबल लीडर ऑफ तात्या टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। अब हम सेंट्रल इंडिया के लिए अगर पढ़ते हैं तो उसमें तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दो ऐसे रूलर्स थे जो बहुत ही साहस के साथ लड़े थे। द रिवोल्ट ब्रोक आउट एट झांसी जून 1857।
झांसी एट दैट टाइम हैड अबाउट 10,000 बंडल्स एंड नियर 2,000 सीपॉयज. सर ह्यूज रोज लेड साइट टू द फोर्ट्रेस एंड झांसी इन मार्च 1858. उन्होंने उनको कंट्रोल किया. रानी लक्ष्मीबाई जो थी बहुत ही साहस के साथ लड़ते हुए 17 जून 1858 को मारी गईं. तात्या टोपे वेंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कंटिन्यूड गोरिल्ला वारफेयर विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स. तात्या टोपे, हालांकि रानी लक्ष्मीबाई तो की डेथ हो चुकी थी, बहुत साहस के साथ लड़ते हुए वो युद्ध के मैदान में ही मारी गई थी, लेकिन जो तात्या टोपे थे वो अपनी जगह को छोड़ के और एक जगह से दूसरी जगह पर वापस सैनिकों को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे. और वो कहाँ कौन सी टैक्टिक्स को अपना रहे थे, गुरिल्ला वारफेयर. जो छापा वो क्या होते हैं, वो गुरिल्ला वारफेयर्स क्या होते हैं, जो छुप के और वार करते हैं. इस तरह से एक अपनी नई सेना बना रहे थे ताकि वो उनका साथ दे सके. ही वॉज कैप्चर्ड ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859. उन्होंने ट्राइबल्स के साथ अपनी एक नई रेजिमेंट डेवलप भी की, बना ली थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई. इवेंट्स एट अदर पार्ट ऑफ इंडिया. ये इवेंट्स हमने कहाँ के पढ़े थे, ये इवेंट्स पढ़े थे मेरठ, जहाँ से 1857 वॉर स्टार्ट हुआ था, यानी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था और फिर वो धीरे 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 पूरे भारत में फैल गया था, दिल्ली, कानपुर, सेंट्रल इंडिया. और अब हम पढ़ेंगे कि वो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में किस तरह से हुआ. इन बिहार द रिवोल्ट वॉज लेड बाय राजपूत कंवर सिंह. यहाँ पे बिहार से मतलब राजपूत किंग थे, लीडर जो थे कंवर सिंह, उन्होंने इसकी शुरुआत की. द ओनर ऑफ द वास्ट एस्टेट ऑफ अरा एंड जगदीशपुर नियर पटना. जो वो कहाँ के ओनर थे, अरा और जगदीशपुर के, जो कि पटना के पास हैं. और वो भी बिल्कुल इसी तरह से गया रांची, पंजाब, यानी कि जो आसपास के एरियाज थे वहाँ पे इसकी खबर और उनको अपने साथ जोड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे. देयर वर सीरियस अपराइजिंग इन हरियाणा प्रैक्टिकल पर्टिकुलरली एट रोहतक, रेवारी एंड हिसार. हाउएवर दे वर ऑल ईजीली सप्रेस्ड. तो लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने इन्होंने कोशिश पूरी की थी हर तरफ से वॉर को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इनके पास कमी क्या थी, जैसे ब्रिटिशर्स के पास राइफल्स थी, एमिनेशंस थे, और उसके अलावा और भी जो मॉडर्न राइफल्स और जिसको बोलते हैं ना हथियार उनके पास हुआ करते थे, लेकिन इंडियंस के पास वो सब नहीं थे. उनके पास मैन पावर तो थी लेकिन उनके पास इतने एमिनेशंस नहीं थे. उन्होंने अपने हद तक हर कोशिश करी और लेकिन 1857 के वॉर ने क्या हुआ, उनके लोगों के मन में एक नई चाह भारत को आज़ाद कराने की जगा दी, यानी कि फीलिंग ऑफ फ्रीडम, भारत को आज़ाद कराने की चाह उनके मन में पैदा कर दी. हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चे से लेके बड़ा तक, राजा से लेके रंग तक, सभी चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिल जाए. हालांकि 1857 का जो युद्ध था वो बहुत ही साहस के साथ लड़ा गया, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनका दमन कर दिया, यानी कि उनको हरा दिया, उनको हर तरफ से घेर लिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फांसी भी हुई और जेल में भी डाल दिया गया. ईज़ीली सप्रेस्ड, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको ईज़ीली क्या कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया, उनके रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया. और फाइनली 1857 की जो लड़ाई थी वो भारतीय हारे ज़रूर, लेकिन उनके मन में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि भारत को आज़ाद कराने की जो चाह थी वो बढ़ गई.